एंड आप देख रहे हैं नेचुरल ब्यूटी। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा बैल के बहुत अच्छे अच्छे शीट मास्क, जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इनकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है और बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन क्लिक कर देना और कमेंट में बताना कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ का चाहिए। देन सबसे पहले तो मैं आपको ये बेरी वाला दिखा देती हूँ। ये जो बेरी वाला फेस मास्क है, ये काफ़ी अच्छा आपकी स्किन को मॉइस्चराइज कर देता है, स्पेशली अगर आपकी स्किन ड्राई है इनकेस, तो ये एक बहुत अच्छा वर्क करेगा। और आई मस्ट से ये बहुत ज़्यादा अच्छा, मैं यूज़ कर चुकी हूँ एक्चुअली, ये दो दो आए थे तो मैं एक यूज़ कर चुकी हूँ, उसके बाद ही मैं आपका रिव्यू ये दे रही हूँ। तो ये फेयरनेस फेशियल मास्क है, यानी अगर आपकी वजह से फेशियल कराने का टाइम नहीं है, तुरंत कहीं जाना है, तो आप इसको लगा सकते हो। बहुत अच्छा एक फेशियल वाला फिनिश आपको देता है। और ये कोरियन कंपनी का है, ये कोरियन कॉस्मेटिक का जो कोरियन ब्रांड है मिराबेल, उसका है ये। एंड कोरियन प्रोडक्ट्स स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं एंड ये स्पेशली इंडियन स्किन के लिए डिज़ाइन है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्पेशली इंडियन स्किन के लिए डिज़ाइन है और कोरिया में बना हुआ है। तो बेरीज तो हम लोग के लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर देती है। तो इसमें बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो डायरेक्ट हमारे स्किन में ये डिलीवर करते हैं और हमारी स्किन को एक मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करती है, जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा, और एक फेयरनेस भी देती है। यहाँ पीछे स्टेप्स दिए हुए हैं कि आपको इसको किस तरीके से यूज़ करना है, आपको इसको बाहर निकालना है, फेस पे लगाना है एंड देन फेस को इसके बाद कभी भी आपको वॉश नहीं करना चाहिए। आप जब भी शीट मास्क लगाएं तो बिल्कुल वॉश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो उसका एक्सट्रैक्ट रहता है हमारी स्किन पे रह जाता है और हमें उसको वॉश कर ले तो क्या होता है, एक्सट्रैक्ट निकल जाता है। तो एक्सट्रैक्ट को हमको बिल्कुल भी वॉश नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये 100% कॉटन का है एंड ये किसी भी एनिमल पर पैचकस नहीं किया हुआ है एंड ये रिसाइकल हो जाता है, जो उसकी बेस्ट चीज़ है। और अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके की, यहाँ पे लिखा हुआ है स्किन अबनॉर्मेलिटीज़ है, यानी अगर आपकी स्किन में बहुत इजीली इन्फेक्शन हो जाता है, रैशेज हो जाते हैं, इचिंग होने लगती है, तो आप इसको यूज़ करना बंद कर दीजिए, मत यूज़ करिए। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा बेटर लगा। अब हम बात कर लेते हैं पपाया। तो जो पपाया वाला है, ये एक बहुत अच्छी फेयरनेस देता है आपको एंड अगेन मॉइस्चराइज भी करता है। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, ये सारी स्किनों के लिए बहुत अच्छा सूट करेगा। ये भी कोरिया पे बनाया गया है और ये स्पेशली डिज़ाइन फॉर इंडियन स्किन है और ये बहुत अच्छी फेयरनेस देता है। एक्चुअली सेम स्टेप्स यहाँ पे दिए गए जो हमने पिछले वाले इसमें देखा था, आप देख सकते हैं एंड सेम चीज़ें यहाँ पर दी गई है। मैं इसकी कॉस्ट बता देती हूँ आपको। सो ये ज़्यादा महंगा नहीं आता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ 99 रुपीज़ का आता है, यहाँ नीचे पर लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 99 का आता है। एंड ये जो बेरी वाला हमने देखा था इसके पहले, उसकी कॉस्ट भी 99 है। तो इसमें और भी बहुत सारे फ्लेवर आते हैं, मेरे पास अभी तीन ही थे, मैं आपको तीन ही दिखा रही हूँ। फिर आता है टी ट्री। तो जो टी ट्री वाला है, तो टी ट्री तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता ही है, हम सबको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है। तो टी ट्री हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेटर होती है। यहाँ पे ये हमारी जो एक्ने एंड पिंपल्स होते हैं, स्पेशली इस पर बहुत अच्छा रिएक्ट करती है एंड जो हमारे स्किन को ये हीलिंग देती है। और ये मास्क बहुत अच्छा एक मॉइस्चराइजेशन भी देगा और फेयरनेस तो बहुत ज़्यादा अच्छा देता है मुझे। मैंने इसके बहुत सारे मास्क यूज़ किए पर मुझे ये बेस्ट मास्क लगा एंड मैंने बहुत सारे ब्रांड्स भी यूज़ किए हैं पर ये मुझे अभी तक का बेस्ट ब्रांड और बेस्ट शीट मास्क लगा। तो ये भी कोरिया में बनाया हुआ है। हाँ तो ये आपको बहुत अच्छी यहाँ पे दिया हुआ है, आपकी एक्ने को क्लियर करता है प्लस एंटी ब्लेमिशिंग है और एंटी एजनिंग होता है एक्चुअली टी ट्री। और टी ट्री का अगर आपने ऑयल भी यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आपकी स्किन को हीलिंग देता है। यहाँ पर भी स्पेशली डिज़ाइन फॉर इंडियन स्किन है, इसको आप किसी भी स्किन टोन पे यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपकी स्किन ड्राई हो, ऑयली हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन हो, सब में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 25 ml है एक शीट मास्क में, जो बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलती है। ये एसेंशियल फेशियल शीट मास्क है एंड ये टी ट्री के एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है, ये भी कोरिया पे बना है एंड द सेम स्टेप जो हमने दूसरे फेशियल्स पे देखे थे वही है एंड मेरा पहले का है ये। एंड MRP जो है इसकी 129 है, यानी बेरी और पपाया वाले से ये
थोड़ी सी ज़्यादा है, 29 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, क्योंकि जो टी ट्री होता है आपने आपको पता होगा थोड़ा सा ये कॉस्टली होता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स। तो ये था मेरा आज का रिव्यू, और आप लोग को अगर ये अच्छा आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन क्लिक कर देना, वीडियो लाइक कर देना, कमेंट में बताना कैसा लगा, और नेक्स्ट चीज़ आपको क्या चाहिए, किस टाइप का वीडियो चाहिए वो आप बताओगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में आपके टॉपिक को रिकवर कर सकूँ। और इसके बारे में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दूँगी, वैसे तो मैंने कोशिश किया है कि मैं सारे आपके डाउट्स मिटा दूँ, एंड अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, खोल के मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि सेम होता है, एंड सेम होता है ये, जैसे हम खोलेंगे तो ऐसे शीट मास्क एंड लगाना है तो, और कुछ नहीं है इसमें। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।